नौगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी। अब एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787 7325052437। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, वॉलमार्ट ने भारत से वर्ष 2027 तक कितने अरब डॉलर का निर्यात करने की घोषणा की है। ए 10, बी 12, सी 15 या डी 20। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नवगछिया में सुंदरम अहुना मटन का भव्य शुभारंभ। नवगछिया में पहली बार चंपारण नॉनवेज स्वाद पर आधारित सुंदरम अहुना मटन दुकान सुंदरम के तीसरे ब्रांच का शुभारंभ किया गया। मौके पर संचालक सृजीत सुंदरम ने बताया कि उनके दुकान में नॉनवेज के मशहूर बिहार के चंपारण का स्वाद, मिट्टी के बने हाड़ी में मटन, चिकन के विभिन्न स्वाद में अलग अलग चीजें उपलब्ध है। चंपारण वाला स्वाद अब नौगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए नौगछिया के स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ पर स्थित सुंदरम अहुना मटन दुकान में सस्ते और लजीज स्वाद में उपलब्ध है। वहीं बताते चलें कि नौगछिया क्षेत्र में पहली बार नॉनवेज और मिट्टी के बर्तन में बनने वाले हाड़ी मटन चिकन को लेकर आसपास के लोगों में काफी उत्साह का माहौल देखा गया। देर संध्या तक दुकान में हर कोई चंपारण वाले नॉनवेज का स्वाद लेते देखे गए। मैं संजीत सुंदरम नौगछिया रंग कॉलोनी के निवासी हूँ और अहुना मटन एक्चुअली मैं गया हुआ था चंपारण और वहाँ पे मैंने टेस्ट किया तो मेरे को लगा क्या कि थोड़ा नौगछिया छोटे शहर में थोड़ा वो फैसिलिटी आया जाए कि चंपारण का टेस्ट नौगछिया में भी अवेलेबल हो, इसको सोचते हुए मैंने इसको तैयार किया है। ये मिट्टी के बर्तन में रेडी होता है और कुछ डिफरेंट तरीके से बनता है, ऑयल फ्री तो है ही, टेस्ट के लिए तो कुछ आप खुद से आकर के एक बार टेस्ट करें, उसके बाद मेरे को फीडबैक जरूर देंगे कि कैसा टेस्ट। क्या क्या अभी उपलब्ध है नॉनवेज में? अपना अहुना मटन हो जाएगा, मटन स्ट्यू हो जाएगा, ताज तवा हो जाएगा, नमक पानी हो जाएगा, वो सारा ये मटेरियल कुछ, और ये जो डिश है ये सारा चंपारण का डिश है। वहाँ का जो भी आपके कुकमैन हैं सारे उधर के ही आए हुए हैं, मतलब चिकन और मटन ये दो, चिकन और मटन दोनों अवेलेबल है, दोनों का अलग अलग डिश है। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी ननेसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नौगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 7992499821। भागलपुर में 3 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल का हुआ आयोजन, पक्षियों के संरक्षण के लिए डीएम प्रणव कुमार ने की अपील। भागलपुर में पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा 3 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। वहीं 3 दिनों तक चलने वाले इस बर्ड फेस्टिवल का विधिवत उद्घाटन करने के पश्चात डीएम प्रणव कुमार ने कहा कि बर्ड फेस्टिवल के आयोजन के मामले में भागलपुर भाग्यशाली है। इस वर्ष प्रदेश के सभी जिले से पहले भागलपुर में बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि कई ऐसे जिले हैं जहां पक्षी ना मात्र बचे हैं, लेकिन भागलपुर में प्रतिवर्ष नए अतिथि पक्षियों का भी आगमन होता है। डीएम ने कहा कि 3 दिनों तक चलने वाले इस बर्ड फेस्टिवल में लोगों को जागरूक किया जाएगा। इस पृष्ठभूमि में वन एवं पर्यावरण विभाग के तत्वावधान में बर्ड फेस्टिवल मनाए जाने का जो निर्णय लिया गया है, जिसकी कड़ी में भागलपुर बिहार का पहला जिला है जहां पे इस वर्ष यह बर्ड फेस्टिवल मनाया जा रहा है। इस सीरीज में फिर आगे जमुई में एवं अन्य जिलों में भी मनाए जाने की योजना है, लेकिन उस मामले में हम लोग लकी हैं और गौरवान्वित हैं कि हम लोगों का यह भागलपुर जिले में पहली बार यह बर्ड फेस्टिवल मनाया जा रहा है। यह 3 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल निश्चित रूप से पक्षी प्रेमियों के लिए पक्षी संरक्षण के संबंध में जो जागरूकता फैलाने का कार्य इन 3 दिनों के माध्यम से किया जाएगा, वो निश्चित रूप से एक विशिष्ट स्थान रखेगा और एक नई भूमिका प्रदान करेगा। इस पूरे प्रकृति में ये सिर्फ मानव की प्रकृति नहीं है, बल्कि सभी पशु पक्षी, वृक्ष,
मानव मनुष्य सभी लोगों के लिए यह प्रकृति है और इस बायोडाइवर्सिटी को जैसा है वैसे ही बनाए रखना हम लोगों के लिए बहुत गौरवशाली क्षण है कि आज भागलपुर जिले में हम लोग बर्ड फेस्टिवल 3 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल मना रहे हैं। आज इसकी शुरुआत की गई है और इस 3 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल के माध्यम से इस पूरे बायोडाइवर्सिटी को बचाने की यह मुहिम है। पशु पक्षियों को उनका नेचुरल हैबिटेशन मिले, उनका संरक्षण हो, लोगों के बीच पक्षियों के संदर्भ में जागरूकता हो और जो अनावश्यक उनका जो हम लोग को प्रोटेक्शन करना चाहिए ये सब व्यवस्थाएँ हों। और भागलपुर जिला इस के लिए विशिष्ट स्थान रखता है कि यहाँ माइग्रेटरी बर्ड्स काफ़ी बड़ी संख्या में आते हैं, यह डॉल्फिन के लिए भी बिल्कुल अभयारण्य है। तो ऐसी स्थिति में लोगों को जागरूक करके बर्ड के प्रोटेक्शन के प्रति लोगों को जागरूक करना इस 3 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल का उद्देश्य है और मैं शुभकामना देता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम आयोजित बीच बीच में भी होने चाहिए और काफ़ी सफल कार्यक्रम साबित होगा। सर, नारायणपुर में जो देखा जाता है कि माइग्रेटरी बर्ड को की बिक्री भी की जाती है रोड पर, तो उसकी सुरक्षा के लिए किस तरह के कदम? देखिए, मैंने बताया कि यह जागरूकता के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और माइग्रेटरी बर्ड्स के हंटिंग को लेकर के कानून भी बना हुआ है जिसको लेकर के लोगों के बीच जागरूकता फैलाई जा रही है और इन सब चीज़ों को निश्चित रूप से रोका जा रहा है। थैंक यू। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के मुख्य गेट पर छात्र जदयू ने किया पुतला दहन। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर संजय चौधरी को प्रभारी कुलपति बनाए जाने का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसको लेकर छात्र जदयू के प्रदेश महासचिव रूपेश यादव के नेतृत्व में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के मुख्य गेट पर छात्र जदयू के कार्यकर्ताओं ने प्रभारी कुलपति का पुतला दहन किया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान छात्र जदयू के कार्यकर्ताओं ने कुलाधिपति सह राज्यपाल से तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति प्रोफेसर संजय चौधरी को वापस बुलाए जाने की मांग की। नगोछान मंडल अस्पताल में चिकित्सक ने दिया 1 दिवसीय धरना, ओपीडी सेवा रही बंद। आयुष चिकित्सक को सर्जरी का अधिकार दिए जाने के विरोध में मेडिकल एसोसिएशन के तत्वाधान में बिहार स्वास्थ्य संघ के अध्यक्ष डॉक्टर रंजीत कुमार के आह्वान पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा पदाधिकारी ने 1 दिवसीय धरना दिया। नगोछान मंडल अस्पताल में धरना पर बैठे चिकित्सक डॉक्टर अरुण कुमार, डॉक्टर विनय कुमार ने बताया कि पूरे भारत में सरकार के द्वारा आयुष चिकित्सक को भी सर्जरी का अधिकार दिया गया है, जबकि उन लोगों को अब तक बेहतर प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। इसको लेकर हम 1 दिवसीय धरना पर आए हुए हैं। चिकित्सक के धरना पर रहने के कारण अनुमंडल अस्पताल में शुक्रवार को चिकित्सक अपने को ओपीडी सेवा से अलग रखा, जबकि आपातकालीन सेवा चालू थी। चिकित्सकों ने कहा कि पहले आयुष चिकित्सक को बेहतर सर्जरी का प्रशिक्षण दिए जाने की जरूरत है, प्रशिक्षण के उपरांत उनको सर्जरी का अधिकार दिया जाए। क्या कारण हड़ताल का? ये हम लोग का ऑल इंडिया बेसिस पे जो है मेडिकल एसोसिएशन का जो निर्णय लिया गया कि मैक्सोपैथी के अगेंस्ट में जो इनको माइनर सर्जरी डेंटल एक्सट्रैक्शन RCT करने का जो दिया गया है वो ना हो, इनको पहले उस चीज़ का ट्रेनिंग दिया जाए, उस तब हो या जो कैसे सरकार निर्णय लेती है। तो इसी के अगेंस्ट हम लोग भाषा के जो महासचिव हैं बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ के डॉक्टर रंजीत कुमार पटना, उनके आह्वान पर हम लोग 1 दिवसीय OPD को बहिष्कार किए। इससे यहाँ पर कितना नुकसान या क्षति होगा, मरीजों को दिक्कत आएगी? अभी तक तो दिक्कत नहीं आई है, क्योंकि हम लोग इमरजेंसी सेवा को बाधित नहीं किए हैं। अगर कोई आ जाता है तो डिलीवरी पेशेंट है, कोविड का है, फ्लू कॉर्नर है, ये सारे चीज़ को हम लोग देख रहे हैं। अपना परिचय दे दीजिए। डॉक्टर विनय कुमार, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नवगछिया।
नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल सहित सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर बाधित रही ओपीडी सेवा। नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल सहित अनुमंडल के विभिन्न पीएससी में एलोपैथ के चिकित्सकों द्वारा किए गए हड़ताल के कारण ओपीडी वित्त सेवा बाधित रही। सेवा बंद रहने के कारण विभिन्न अस्पतालों से रोगी को मायूस होकर बेरंग लौटना पड़ा। अस्पताल में आपातकालीन रोगियों को देखने का सिलसिला दिन भर जारी रहा और कोरोना जांच का कार्य भी विभिन्न अस्पताल में जारी रहा। नवगछिया कुलपति के विरोध में जीवी कॉलेज में चलाया गया हस्ताक्षर अभियान। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नवगछिया इकाई के द्वारा तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति डॉक्टर संजय चौधरी को बनाए जाने के विरोध को लेकर जीवी कॉलेज में कॉलेज अध्यक्ष अवीश कुमार के नेतृत्व में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अनु चौरसिया, सुजीत सिंह चौहान, जीवी कॉलेज अध्यक्ष अवीश कुमार सहित कई अन्य मौजूद थे। कृपया ध्यान दें कि अब खबर एक मिनट के विज्ञापन के बाद प्रारंभ होगा। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन के सामने, नवगछिया। अब आपके शहर नवगछिया में कान्हा स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ स्वादिष्ट मिठाई जैसे काजू पान, काजू फ्रूट, काजू कतली, मोती पाक के अलावे एक से बढ़कर एक लजीज मिठाइयाँ उपलब्ध है। शुगर फ्री मिठाई के लिए संपर्क जरूर करें। साथ ही पनीर डोसा, पनीर पिज्जा के लिए जरूर पधारें। कान्हा स्वीट्स, प्रोफेसर कॉलोनी, नवगछिया। संपर्क करें 9060127642, 9308708313। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें। विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295830773, 9303667170। नवगछिया ट्रक और बस की टक्कर में कई बाराती घायल, बाल बाल बचे जदयू नेता डॉक्टर दीपक कुमार। पुलिस को भी नहीं है हादसे की जानकारी। नवगछिया के पर्वता थाना क्षेत्र के विक्रमशिला सेतु पर नवगछिया से भागलपुर जा रही बारातियों से भरे एक बस और विपरीत दिशा से आ रहे एक ट्रक में भीषण टक्कर होने से बस पर सवार कई यात्रियों के घायल हो जाने की सूचना है। घटना के दौरान नवगछिया के जदयू नेता डॉक्टर दीपक कुमार अपनी मोटरसाइकिल से भागलपुर जा रहे थे। उन्होंने किसी तरह भाग कर अपनी जान बचाई है। मोटरसाइकिल छोड़कर भागने के क्रम में वे चोटिल भी हो गए हैं। डॉक्टर दीपक ने बताया कि ट्रक और बस दोनों काफी अनियंत्रित था। ट्रक उनके सामने से आ रही थी तो बस उनके पीछे थी। उनके बाइक की रफ्तार कम थी, इस कारण दोनों वाहनों के अनियंत्रित की स्थिति को देखते हुए वे बाइक को छोड़कर मौके से भाग निकले, जिसके कारण उनके पैर और कमर में चोट आई है। इस घटना में एक अन्य स्थानीय व्यक्ति भी घायल हो गया है, जो नारायणपुर बलहा निवासी चंदन कुमार बताया जा रहा है। डॉक्टर दीपक ने बताया कि बस पर बाराती लोग सवार थे जो बांका के अमरपुर जा रहे थे। हादसे के बाद 10 से 15 लोग घायल हो गए थे, जिसमें 2-3 लोग गंभीर रूप से घायल थे, जिनका सर फूट गया था। गंभीर रूप से घायल लोगों का बस पर ही प्राथमिक उपचार किया गया। दोनों वाहनों में टक्कर होते ही ट्रक चालक ट्रक को लेकर भागने में सफल रहा, तो घटनास्थल पर करीब 15 मिनट रुकने के बाद बस भी सभी बाराती को लेकर अमरपुर की ओर रवाना हो चुकी थी। वहीं पूछे जाने पर पर्वता थाना पुलिस ने कहा कि विक्रमशिला सेतु पर हादसा होने की सूचना उन्हें नहीं है। ढोलबजा केयर इंडिया के मॉनिटर ने किया अस्पताल का निरीक्षण। केयर इंडिया के मॉनिटर प्रिंस कुमार व डॉक्टर देवयत्र ने शुक्रवार को APSC ढोलबजा का औचक निरीक्षण किया, जहां निरीक्षण के दौरान अस्पताल में चिकित्सा पदाधिकारी विजयनंद कुमार, ANM सोल्टी जायसवाल, अनीता कुमारी, रवि कुमार व मेघनाथ मेहतर उपस्थित पाए गए। अस्पताल में 2 डिलीवरी व मात्र 25 रोगी को ही चिकित्सकों द्वारा देखा गया था। वहीं अस्पताल के विधि व्यवस्था पर भड़के मॉनिटर ने अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों की कमी बताते हुए कहा कि यहां महिला व पुरुष MBBS की अति आवश्यकता है।
नवगछिया मास चेकिंग में 87 लोगों एवं 8 वाहन चालक से वसूला गया जुर्माना। नवगछिया एसपी स्वप्ना जी मिश्रा के निर्देश पर पुलिस जिले के सभी थाना क्षेत्र में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर सघन मास चेकिंग अभियान चलाया गया। शुक्रवार को मास चेकिंग अभियान में विभिन्न थाना क्षेत्र के कुल 87 लोगों को बिना मास्क के सार्वजनिक स्थल पर गतिविधि करने पर जुर्माना किया गया है। सभी से पुलिस ने कुल 4350 रुपए जुर्माना वसूला है। वहीं इस दौरान 8 वाहन चालकों से 8000 रुपए भी जुर्माना वसूल किया गया है। गोपालपुर, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हमला के विरोध में ममता का फूका पुतला। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी के गुंडों द्वारा हमला किए जाने के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नौगछिया जिला अध्यक्ष रूपेश रूप के नेतृत्व में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का पुतला गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के सैदपुर में फूका गया। गोपालपुर मंडल अध्यक्ष कृष्ण कुमार सिंह, जिला उपाध्यक्ष सूरज कुमार झा, आईटी सेल के जिला संयोजक कल्याण झा, राजेश पासवान सहित कई अन्य उपस्थित थे। नवगछिया, पकड़ा दुनिया टोला में 2 दर्जन हुई गोलीबारी से क्षेत्र में दहशत, 3 नामजद सहित अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज। नवगछिया थाना क्षेत्र के पकड़ा पंचायत के दुनिया टोला में गुरुवार की देर रात अपराधियों में कैलाश सिंह के घर पर जमकर गोलीबारी की घटना की। अपराधी ने इस दौरान 2 दर्जन से अधिक चक्र गोली फायरिंग की। घटना पुराने विवाद एवं वर्चस्व को लेकर होने की बात सामने आ रही है। वहीं गोलीबारी होने के बाद स्थानीय लोगों के द्वारा नौगछिया थाने को घटना की सूचना दी गई। घटना की सूचना पर नौगछिया पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू की है। पुलिस ने घटनास्थल से 8 खोखा बरामद किया है। वहीं घटना के बाद शुक्रवार को नौगछिया SDPO दिलीप कुमार घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की छानबीन की है। नवगछिया, पति पत्नी लापता, परिजनों ने लगाया अपहरण कर लिए जाने का आरोप। गोपालपुर थाना क्षेत्र के हरनाचक निवासी जयंत कुसुम ने अपने बड़े भाई रंजीत कुमार राणा और उनकी पत्नी का अपहरण कर लिए जाने की प्राथमिकी गोपालपुर थाने में दर्ज कराई है। जयंत कुसुम का कहना है कि उनकी भाभी मोनिका देवी 25 वर्षीय और भाई रंजीत कुमार राणा 31 वर्षीय 2 दिसंबर से लापता है। जयंत कुसुम का कहना है कि पूर्व में भी उसकी भाभी का अपहरण गोपालपुर थाना क्षेत्र के सिंधिया मकनपुर निवासी राजेश शाह ने कर लिया था। पुलिस के दबाव में आकर उस समय उसकी भाभी को छोड़ दिया गया था। जयंत कुसुम ने कहा कि उसे पूर्ण विश्वास है कि उसके भैया और भाभी का अपहरण राजेश शाह ने किया है। कथित रूप से अपहृत रंजीत कुमार राणा का मोबाइल भी लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। जयंत कुसुम ने थानाध्यक्ष से दोनों की बरामदगी करने और आरोपी पर कार्रवाई करने की मांग की है। गोपालपुर थानाध्यक्ष ने बताया कि 2 दिन पूर्व जयंत कुसुम ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था। पूर्व में भी मोनिका देवी कहीं चली गई थी, जिसे पुलिस ने बरामद किया था। मामले की जांच की जा रही है, आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295-830-773, 93043-67-170। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध हैं एसी ननेसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 7992499821। अब आपके शहर नवगछिया में कान्हा स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ स्वादिष्ट मिठाई जैसे काजू पान, काजू फ्रूट, काजू कतली, मोती पाक के अलावे एक से बढ़कर एक लजीज मिठाइयाँ उपलब्ध है। शुगर फ्री मिठाई के लिए संपर्क जरूर करें। साथ ही पनीर डोसा, पनीर पिज्जा के लिए जरूर पधारें। कान्हा स्वीट्स, प्रोफेसर कॉलोनी, नौगछिया। संपर्क करें 9060127642, 9308708313। नौगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी, अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787, 7325052437।
खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन के सामने, नवगछिया।